देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के साथ वो परिवार सहित दर्शन करने पहुंचे, जहां महाराज की तप स्थली पर बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति के लोगों ने बाबा के जीवन के बारे में उपराष्ट्रपति को बताया। इसी कड़ी में जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कांची धाम में आकर अभिभूत हूँ, देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है, नई ऊर्जा मिली है, राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। भारत दुनिया को एक कुटुंब मानता है, वसुदेव कुटुंबकम। G20 में हमारा मोटो दुनिया के समक्ष गया, वन फैमिली वन फ्यूचर एंड वन अर्थ। ये कितनी जबरदस्त बात है। ऐसे स्थान पर आकर आदमी आत्मा को पहचानता है, दिल दिमाग और आत्मा का समीकरण होता है। आई फाइंड कन्वर्जेंस ऑफ रिलीजियोसिटी सब्लिमिटी स्पिरिचुअलिटी इन दीज प्लेसेस। आई विजिट टू सच अ प्लेस वेयर वी हैड सच अ ग्रेट सेंट हू लेड डाउन हाईएस्ट प्रिंसिपल्स वर्थ इम्यूलेटिंग बाई वन रोल। आज के दिन विश्व में यदि कोई आवश्यकता है, जो विश्व आज के दिन समस्याओं से जूझ रहा है, तो भारत की संस्कृति इसके अंदर बहुत बड़ा स्थान रखती है। मैं आकर यहाँ धन्य हो गया।